दिल्ली के हाथों मिली शर्मनाक हार के बाद विलियमसन ने कहा यह टीम जीतेगी आईपीएल का खिताब। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आईपीएल के एलिमिनेटर मैच में दिल्ली ने हैदराबाद को हरा दिया। ऋषभ पंत और पृथ्वी शॉ के धमाकेदार पारी की बदौलत दिल्ली ने यह मैच 2 विकेट से अपने नाम किया। पंत ने 21 गेंदों में 49 रन बनाए। पृथ्वी शॉ के बल्ले से 38 गेंदों में 56 रनों की बड़ी पारी निकली। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 163 रनों का लक्ष्य दिया था। हैदराबाद की तरफ से सर्वाधिक मार्टन गप्टल ने 36 रनों की पारी खेली। लक्ष्य का करते हुए दिल्ली ने रोमांचक मुकाबले में यह लक्ष्य हासिल कर एलिमिनेटर मुकाबले में जीत के साथ दूसरे क्वालिफायर के लिए जगह बना ली। हैदराबाद के खिलाफ 21 गेंदों में 2 चौके और 5 छक्के की मदद से पंत ने 49 रन बनाए, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। हैदराबाद को 2 विकेट से हराते ही दिल्ली कैपिटल्स ने दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में अपनी जगह तय कर ली है। अब 10 मई को दिल्ली की टीम चेन्नई के खिलाफ दूसरा मैच खेलेगी। मैच हारने के बाद हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने कहा कि हमने अच्छी शुरुआत की और टीम संतुलित न होने के कारण हमने मैच गंवा दिया। उन्होंने कहा कि वार्नर की कमी खली, इसमें कोई दोराय नहीं है। विलियमसन ने कहा कि यह आईपीएल रोमांचक रहा, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार आईपीएल का खिताब मुंबई इंडियंस जीतेगी। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं कि इस बार का आईपीएल खिताब कौन सी टीम जीतेगी, और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।